हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हैंडमेड ज्वेलरी पर। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है पिज़्ज़ा बॉक्स, तो उसके इस तरह से चार सर्कल हम कट कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं पिज़्ज़ा बॉक्स ही यूज़ क्यों करती हूँ, क्योंकि जो पिज़्ज़ा बॉक्स होता है ना वो काफ़ी थिक होता है। तो इसलिए जब भी आप पिज़्ज़ा मंगवाएँ तो प्लीज़ उसका बॉक्स संभाल कर रखिए। मैं आपसे बार बार और हर वीडियो में यही बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आप उससे बना सकते हैं। तो इस तरह मैं अपनी जो ज्वेलरी है वो सर्कल में बनाऊंगी। तो मैंने फोर पीस इस तरह कट कर लिए हैं और उसे मैं फेविकॉल एसएच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है वो। तो इस तरह से आप जो पिज़्ज़ा बॉक्स की ना जो प्रिंटेड वाली साइड है वो आप अंदर रखेंगे और इस तरह चारों पीस को आपस में स्टिक कर लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मास्किंग टेप ले रही हूँ और जो इसके किनारे हैं ना वहाँ पे उसको कवर करते हुए अच्छे से इसे लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कवर कर लेंगे। अब मैंने ना इस तरह से तीन होल बना लिए हैं। अब ये होल मैंने क्यों बनाए ये आपको एंड में पता चलेगा। मैं यहाँ पर मोल्डेड यूज़ कर रही हूँ, तो जो इसके ना किनारे हैं वहाँ पर मैं पूरी जो एक बत्ती सी बनाकर कवर कर लूँगी और इसे हाथ से अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट करते जाएंगे। अब देखिए पाउडर लगा के मैंने ना हल्का सा उसे चिकना सा कर लिया है, स्मूथ कर लिया है। अब जो ये ऊपर ना जहाँ पर हमारी डोरी आएगी वहाँ पर हल्की सी क्ले लगा कर इस तरह से हुक लगा लेंगे। अगर ना आपके पास हुक नहीं है तो आप मोल्डेड के ना लूप बना लेंगे। तो मोल्डेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो आपके फिर ब्रेक नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट में मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। याद रखिए कि आपको फेविकॉल ज़रूर लगा लेना है बेस में, कुछ भी क्ले वर्क करते टाइम। अब ये देखिए जैसे डॉट पेन की जो रिफिल होती है ना उसके बैक साइड से मैं इस तरह के छोटे छोटे से सर्कल बना लूँगी, जो बाद में कलर करने के बाद बहुत सुंदर लगने वाले हैं। गाइस मैंने नीचे का पार्ट छोड़ दिया था, पहले मुझे लगा कि मैं वहाँ नहीं बनाऊंगी, लेकिन बाद में मैंने वहाँ पर भी इस तरह से क्ले लगा दी थी। तो आप पूरा सर्कल कवर कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा सर्कल फिर बाद में कवर कर दिया। अभी जब तक ये ड्राई हो रहा है मैं अपने जो इयर रिंग है अपने हुक्स हैं वो बना लूँगी। इस तरह से मैंने टू सर्कल ले लिया और ऐसे डॉट पेन से छोटे छोटे से होल बना लें जिसमें बाद में अपने जो हुक्स हैं वो लगा दूँगी। अब देखिए इस तरह से आप थोड़े छोटे छोटे बीट्स बना लेंगे क्ले के और होल कर देंगे उसमें। ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिए हैं छः और इसे सूखने ड्राई होने के रख देंगे। और देखिए मैं आपको डिज़ाइन बता दूं, यहाँ पर मैंने तीन तरह की डिज़ाइन अपनी ड्रॉ कर ली थी। पहले में फ़िश है, सेकेंड में पिकॉक है और जो थर्ड है ना इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन हाफ़ पार्ट में बनाएंगे और हाफ़ को आप बटर पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लेंगे ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आए। मैंने आपको सिर्फ बनाकर दिखाया कि इस तरह से डिज़ाइन आएगी। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ आपको थोड़ी सी, कि मैंने एक साइड ऐसे बना दी, फिर ट्रेस करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा आपका। तो यहाँ मैं पिकॉक वाली डिज़ाइन मैंने चूज़ की है, क्योंकि फ़िश वाली डिज़ाइन मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने तीन कलर यूज़ करे हैं, रेड है, येल्लो है एंड ऑरेंज है। तो आप प्लीज़ अपनी ड्रेस चूज़ करिएगा कि आपको किस ड्रेस के साथ पहना, अपनी मनपसंद ड्रेस के साथ आप प्यारी सी अपनी जो आने वाले फेस्टिवल्स हैं उसमें अपने लिए खुद की डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी पहनिएगा और देखिएगा आप कितने सुंदर लगते हो, आपका मन भी कितना खुश होता है। तो गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी ना हमें किसी प्रोग्राम में या किसी फेस्टिवल में अपनी मनपसंद ज्वेलरी नहीं मिलती। हम एक शॉप देखते हैं, दूसरी शॉप देखते हैं, लेकिन जैसे हम चाहते हैं ना ज्वेलरी हमें वैसे मिल के ही नहीं देती। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो आगे से ना मैं अपने लिए ज्वेलरी खुद बनाने वाली हूँ, लेकिन हाँ मैं शेयर तभी करूँगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको पसंद आई, या फिर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे पसंद लगेगा कि हाँ आपको अच्छी लगी, तो मैं आगे अपनी ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बनानी तो मुझे है ही। क्योंकि सच में बनने के बाद ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत सुंदर। तो इस तरह कलर कर लेंगे। साइड में देखिए मैंने मोती बना दिए हैं छोटे छोटे क्ले के, सारा काम जो है इसमें हैंडवर्क है।
अब गोल्डन कलर से ना जो जो आपको हाईलाइट करना है वो कर देंगे। मेरे पास ये रेशम पड़ा हुआ था तो मैंने उसके टसल बना लिए हैं नीचे। अगर आपके पास रेशम नहीं है तो आप एंकर के धागे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है ना तो आप छोटे छोटे ऐसे मोती बनाएंगे क्ले के और उसको एक के ऊपर एक मतलब तीन चार कलर करके ऐसे नीचे की तरफ से हैंग कर देंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। आपको कुछ भी ऐसा ना बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छोटी सी बना ली है और इस तरह से आप गूंद लेंगे और सेंटर वाले पार्ट पे ना उसे पिरो देंगे मोतियों को और इस तरह साइड वाली ऊन को उसे कवर कर देंगे। तो देखिए आपको कितनी सुंदर सी ना डोरी बन के तैयार है। और यहाँ मेरे इयररिंग भी रेडी हो गए हैं और यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो और कैसी लगी मेरी ज्वेलरी और कैसी लगी मैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे चाहे तो आप इतना छोटा करके भी पहन सकते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी ना अगर आप इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं ज्वेलरी तो आपकी येलो के साथ भी जाएगी, ऑरेंज के साथ भी जाएगी, रेड के साथ भी जाएगी और क्रीम कलर के साथ भी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।